गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार उर्फ मिनी अटल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैं गोरखपुर का निवासी हूं। मुझे महंत अवैधनाथ महाराज का पावन सानिध्य 1988 से प्राप्त है। उनके संरक्षण में राम जन्मभूमि आंदोलन और लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मिनी अटल के नाम से पूरे भारत में भाजपा को विजय दिलाने हेतु अपने व्यक्तिगत व्यवहार से लाभान्वित करता रहा हूं। और मैंने आरएसएस से जुड़कर आईटीसी और ओटीसी भी किया है तथा संघ के विस्तार हेतु पूरे भारत में समय समय पर नानाजी देशमुख और अन्य महापुरुषों के साथ कार्य किया और हिंदुओं का धर्मांतरण होने से बचाने का कार्य किया। इसके अलावा 4 वर्ष तक हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों की सेवा और उनके घाव की साफ सफाई, उनके बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें धर्मांतरण होने से बचाना भी मेरा कार्य रहा है। उन्होंने कहा कि वेदों की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत न्यायपूर्ण और प्राणी मात्र के कल्याणकारी उन्नति का आधार है। बहुत तपस्या के बाद मुझे मुख्यमंत्री आशीर्वाद से भारत और दुनिया में कार्य करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति सदैव वफादारी और विश्वास है। यदि मुख्यमंत्री मुझे राजनीतिक रूप से लोकसभा में देश की सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं विनम्रता से उनके आशीर्वाद को स्वीकार करके भारत के सदन में वैदिक संस्कृति के उत्थान हेतु कार्य करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार उर्फ मिनी अटल ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में भारत की संस्कृति और धर्म के लिए और भारत की यौगिक प्रक्रिया को दुनिया में बढ़ाने के लिए और उसी तरह की विद्या की प्राप्ति की, तो मेरी विद्या की उन्नति में, मेरे जीवन की शुरुआत में पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। उनकी कृपा से ही मैंने ये विद्या पढ़ी और हरिद्वार में उनकी कृपा से गए, वेद की विद्या की पढ़ाई करी, फिर हरिद्वार से जिस विद्या को सिखाने वाला जहाँ जहाँ विद्वान मिले, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उन उन जगहों पर जा करके आचार्यों के चरणों में बैठ करके मैंने वेद की विद्या को सीखी और हमने ये पाया कि भारत की संस्कृति या कह लें सारे संसार को उन्नति करने के लिए एकमात्र ठोस आधार अगर है तो वह है वेद। और पूरे दुनिया में जितने भी प्रकार की संस्कृति में विस्तार हुए हैं उन सारी संस्कृतियों के मूल में कहीं न कहीं जो अच्छी बातें हैं वो वेद से ही लिया गया है। तो उस वेद विद्या को संसार में प्रचारित प्रसारित करने के लिए भारत की आज़ादी के बाद से अगर किसी ने पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, तो पूज्य महाराज जी का योगदान रहा और सुषमा स्वराज जी ने इसको दुनिया में फैलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। तो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अनुभव रहा है भारत की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, वो बहुत अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि इस वेद विद्या का विस्तार अगर भारत में ठीक प्रकार से हो तो बहुत अधिक देश को उन्नति मिल सकती है। और ये अनुभव में आया है कि ज़िंदगी में एक व्यक्ति के लिए अगर पूरे संसार की पुलिस की सुरक्षा लगा दिया जाए और फिर भी हम कहें कि वह व्यक्ति सुरक्षित है, तो मैंने जितना वेद का अध्ययन किया मुझे लगता है उसके अनुसार वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जब अपराध करता है तो अपराध अपने मस्तिष्क से करता है, तो क्या संसार में मस्तिष्क को पवित्र रखने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई बड़ा काम हुआ है क्या? तो इसका उत्तर मिलता है कि ऐसा कोई ठोस प्रयास मस्तिष्क को बदलने के लिए देश में अभी तक दिखाई नहीं देता है। तो उस मस्तिष्क को ठीक प्रकार से बदलने के लिए भारत की सरकार ने योग और वेद के माध्यम से जो प्रयास किया है वो बहुत प्रशंसनीय है और उस विद्या को हमने पढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि उस विद्या को भारत की सदन में ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सके। यदि ऐसा कोई अवसर लगता है तो हम इसको करेंगे। क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा से रहा है, जब से हम गोरखपुर में भी उनसे संपर्क में रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम उनको मिलते रहे हैं और जब से हमारा जीवन के सामाजिक अनुभव है, जब से उधर संन्यास लिए तब से मैं उनके चरणों में मिल करके उनके साथ संपर्क में हो करके जैसा उन लोगों का निर्देश रहा है भारत की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए हमने कार्य किया। आपने लास्ट में लिखा है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि हमको मौका मिला मैं संसद में जाकर वेद को और बढ़ावा दूंगा, उस पर आवाज़ उठाऊंगा। क्या चुनाव भी लड़ना चाहते हैं आप? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। अगर देश में जो धर्म और संस्कृति को जानने वाला, हमने इतनी तपस्या से वेद विद्या को पढ़ी है, जो पूरे दुनिया में वेद विद्या को जानने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, उनमें से एक हमारा भी नाम आता है, तो यदि हम संसद में जाते हैं तो संसद की भावनाओं, भारत की संस्कृति की भावनाओं को सदन में जिस रूप में हम रख सकते हैं, वो जो वेद नहीं पढ़े हैं, जो नहीं देखे वो नहीं रख पाएंगे। तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? गोरखपुर से लड़ना चाहते हैं। मतलब योगी जी से उम्मीद है टिकट मिल जाए अगर बीजेपी से? तो नहीं, उम्मीद नहीं, अगर महाराज जी की लगेगा कि उनको हमें लड़ना चाहिए और ऐसी उनकी कृपा होती तो हम जरूर लड़ेंगे।
माने टिकट नहीं मिलता क्या निर्दल लड़ेंगे? नहीं पार्टी से ही लड़ेंगे और नहीं मिलेंगे तो पार्टी के लिए जैसे पहले काम करते रहे वैसे आगे भी काम करेंगे।